नमस्कार दोस्तों, रिपेयरिंग विथ निरंजन चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आज छोटा छोटा टिप्स बताने जा रहा हूँ। जैसे देख सकते हैं, यह मिक्सर जार का कपलर है, ठीक है। थोड़ा सा मार खा गया, ठीक है, मार खा गया। तो इस तरह से हम लेंगे, देख सकते हैं, यह सेरस पत्ता है जो कि थोड़ा हेवी और मजबूत है। और इस तरह का हम ले के, अगर यहाँ हमारे इस तरह देख सकते हैं मार खा गया है, तो इसे हम इस तरह अगर के चिकनाई कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से हम जो अपना कपलर को इस सेरस पत्ता से काफ़ी सुंदर देखिए चिकना कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा, इस सेरस पत्ता के द्वारा कभी कभी हमारा जो ये सॉफ्ट जब देख रहे हैं, माने मार नहीं खाया रहता, बस दाग रहता है, तो ऐसा दाग को हम इस तरह का सिरस पत्ता से हल्का हल्का इस तरह से घिसेंगे, एकदम हल्का हल्का, जहाँ जहाँ हमारा जैसे चित्ती टाइप से लगता है दोस्तों। अगर आपके पास कमी है, इस तरह का नहीं है, तो आप काम चला सकते हैं और ग्रह का काम को आप आसान कर सकते हैं। इस तरह से अगर नहीं है, तो ऐसा स्थिति में हम इसे चिकना कर सकते हैं और इसे हम चलने लायक बना सकते हैं। इस तरह का मुझे मिला था, देख सकते हैं। और एक चीज़ दोस्तों, इस तरह का कभी कभी ब्लेड जो टूट जाता है, टूटने के बाद कभी कभी हमें ख़राब जार मिलता है, तो ख़राब जार का जितना भी होगा दोस्तों ब्लेड, उसे आप निकाल के रख लें, क्योंकि कभी भी आपको जैसे एक देख सकते हैं ब्लेड, यह ब्लेड हमारा अच्छा है, ठीक है, तो हमने इसे निकाल के रख लिया है, कभी किसी का में भी काम आ जाएगा। एक यह देख रहे हैं, इसका हमारा कपलर देखिए आप, मैं आपको कपलर दिखाता हूँ। इसका ब्लेड भी सही है और इसका कपलर भी सही है, बस क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। इस तरह कपलर देख सकते हैं, यह सही स्थिति में है, बस थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रैच देख सकते हैं। तो इस स्क्रैच को हम इस तरह से रगड़ के ये देख सकते हैं ठीक कर सकते हैं और इसे हम काम लाइक फिर बना सकते हैं दोस्तों। उतना हमारा ख़राब नहीं हो सकता है, हो जाता है, जिससे हम 10 रुपये की बचत कर सकते हैं इस तरह से। ये देखिए चिकना हो गया फर्स्ट क्लास, अब इसे हम लगा सकते हैं और थोड़ी सी इसे हम ब्रश कर देते हैं इस तरह से, इससे हमारा साफ भी हो जाता है। और ग्राहक से भाई 10 के जगह में हम 5 रुपये भी ले लेंगे और समय समय पे कभी कभी हम ग्राहक को कम में भी कोई कोई सामान देते हैं, जैसे जो हमारे पास एक्स्ट्रा सामान रखा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में ग्राहक भी खुश हो जाते हैं और ग्राहक हमारे पास लगातार बने रहते हैं दोस्तों। इस तरह का ब्लेड सब देख रहे हैं टूट टूट गया है, तो अभी हमें कहीं पे काम आ ही जाएगा, तो इस तरह का सामान को हम फेंकेंगे नहीं दोस्तों। इस तरह से देख रहे हैं टूटे टूटे बहुत से हमारे पास ब्लेड है, देख सकते हैं, लेकिन इसका उपयोग आता है। और इस तरह से देख सकते हैं यह ब्लेड है, तो यह भी कहीं पे काफ़ी हेवी ब्लेड है, तो इसका भी हमारा उपयोग कहीं पे लग जाएगा और ग्राहक को हम ज़्यादा के जगह में कम में इसे दे सकेंगे। इस तरह हम कोई भी हमारा जो सामान आता है दोस्तों, उसे फेंकने का नहीं, इसे रखने का, इससे समय समय पे काम होते रहता है। इसे ये देख सकते हैं, यह काफ़ी ज़्यादा जंग लगा हुआ है, ठीक है, तो इसे भी हम फ्रेश कर सकते हैं। यदि हमारे पास उस तरह का नहीं है तो क्या करेंगे, इस तरह का सलाई रिंच लेंगे, छोटा सा भी ले सकते हैं। और मैं आपको बताता हूँ कैसे इसे साफ करना है, मेरे पास काफ़ी ट्रिक है, मैं भी आपको एक जो सॉफ्ट है उसे मैं पूरी तरह से साफ करके भी आपको दिखाता हूँ, तो आप हमारे साथ लगातार बने रहें। और इस चैनल में अगर आप नए हो दोस्तों, तो फटाफट चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। देखिएगा कितना जंग लगा दिख रहा है ना, अब मैं इसे तो मस्त बना दूंगा, ये देख सकते हैं जंग लगा हुआ है, इसे मस्त बना दूंगा। तो इस तरह का लिए है, मैं आपको दिखाता हूँ, एकदम चमकदार बना देंगे और इसे हम डाल के यूज भी कर लेंगे दोस्तों, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे यूज करने का मैं आपको तरीका बताऊँगा कि कैसे हम इस सॉफ्ट को बूस में हमें डालना है। इस तरह से घिसेंगे, थोड़ी सी हमारी वीडियो थोड़ी सी लंबा होगा दोस्तों,
लेकिन नॉलेजफुल वीडियो है, इसे आप स्किप ना करें। अभी मैं इसे पूरी तरह से चमचमाता हुआ कर दूंगा। हाँ, यह जो हमारा सॉफ्ट है इसे हम इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन बूस की रिपेयरिंग हम नहीं कर सकते दोस्तों, क्योंकि बूस घिस जाता है तो उसे रिपेयरिंग करना मुश्किल हो जाता है। इस तरह से हम रगड़ेंगे, देख सकते हैं किस तरह से रगड़ रहे हैं। लेकिन जब भी हम अगर पुराना डालते हैं सॉफ्ट बूस के अंदर, तो क्या करना मैं अभी आपको बताता हूँ। पहले तो हम इसे अच्छी तरह से, ये देख सकते हैं इसका जो भी था, अब ये और क्लियर हो जाएगा दोस्तों। अगर आपके पास इस तरह का नहीं है और काम चलाना है तब की मैं बात कर रहा हूँ। एक सेकंड आप हमारे साथ लगातार बने रहेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। यह है थोड़ा सा, इसमें केरोसिन तेल लेंगे, ज़्यादा नहीं, एकदम एकाध बूंद। ये देखिए, ये ले लिया हूँ। और मेरे पास एक इस तरह का, देख सकते हैं यह केमिकल है, इसे हम ब्रास बोलते हैं। तो वह जो यह जो ब्रास है दोस्तों, इसे हम थोड़ी सी इस तरह से निकाल लेंगे पेस्ट, और इसमें हम थोड़ी सी किरोसिन का तेल, ये देख सकते हैं एकदम थोड़ी सी, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा आइटम नहीं है, तो इस तरह का पेस्ट बना के इसे हम इस सॉफ्ट में इस तरह से लगाएंगे, और कुछ देर तक हम इसे मलेंगे दोस्तों। इस तरह से मलेंगे, और मलने के बाद इसे हम इस तरह से रगड़ देंगे और इसे अच्छे से साफ कर देंगे कपड़े के द्वारा। तो मैं भी आपको दिखाता हूँ पहले हमारा कैसा था और अब कैसा हो गया है। ये देख सकते हैं, ये हमारा पहले से काफी बेहतर हो चुका है और चिकनाई भी आ गया दोस्तों। अब इसे हम बूस में डाल के देखते हैं, तो देख सकते हैं इस तरह का बूस है, एकदम आराम से देखिए, एकदम मस्त यह एकदम जा रहा है, देख सकते हैं एकदम काफ़ी सुंदर। ये देखिए, किसी तरह का इसमें जो बोलते हैं ढक नहीं, एकदम मस्त फिट बैठा। बस हमें यही करना है, ये देखिए काफ़ी सुंदर एकदम वर्क करेगा यह हमारा। तो इस तरह के छोटे छोटे टिप्स से हम कुछ कुछ सामानों को बचा सकते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर इस तरह के, जैसे मेरे पास देख सकते हैं, ये देखिए पूरा ख़राब है, लेकिन यह भी हमारा थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो काम में आ जाएगा, जैसा कि यह आ चुका है। ठीक है, तो इस तरह की जानकारी के लिए दोस्तों आपको हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।